हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्लास 9 के एनुअल एग्जाम के लिए इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यह क्वेश्चन पेपर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपके क्लास 9 का जो एनुअल एग्जाम है 2024 का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें से कॉमन आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। नंबर वन देखिए, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, मीन्स इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर। तो रेगुलर जो अंडरलाइन वर्ड है, इसका मीनिंग लिखना है तो क्या होगा? नॉर्मल। नंबर टू जो अंडरलाइन वर्ड है, इसका मीनिंग लिखना है क्या होगा? फॉर्मर। नेक्स्ट देखिए, नंबर टू स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स बताना है। तो नंबर वन जो है क्या हो गया? फॉल्स। नंबर टू जो है, द कंट्री इंस्पेक्टर वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस, ये हो गया ट्रू। नेक्स्ट देखिए, नंबर थ्री चूज द करेक्ट आंसर। नंबर वन, टॉमी फाउंड द ओल्ड बुक इन द एटिक, ऑप्शन बी, ठीक है, फोर का आंसर। तो बाकी क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर फाइव से लेकर इलेवन तक, ओके, इसमें से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नंबर ट्वेल्व देखिए क्या बोला है, चूज द बॉक्स राइम्स वर्ड, ओके, क्या तो पहला क्या, हेयर्थ, हेयर्थ क्या हो जाएगा? अर्थ। दूसरा क्या है? ग्लेड, ग्लेड क्या हो जाएगा? ग्लेड का हो जाएगा मेड। नेक्स्ट, चूज द मीनिंग, अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग लिखना है। नंबर ए डैश एनफ टू प्रोवोक, तो प्रोवोक का मीनिंग क्या होगा? एंग्री। नंबर बी क्ले एंड वेटल्स मेड, तो वेटल्स का मीनिंग क्या हो जाएगा? स्टिक्स, ठीक है। नेक्स्ट 15, 16 का आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 से 21 तक देख लीजिए, उसके बाद आपका 22 से आपका, ठीक है, करेक्ट टेंस देखेंगे हम लोग। तो देखिए 22 में क्या बोला है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब को करेक्ट करना है। नंबर ए, ही डू दिस वर्क सिंस मंडे लास्ट, देखिए लास्ट ये पास्ट है और सिंस दिया हुआ है, तो जब भी सिंस या फोर रहेगा और पास्ट दिया हो तो क्या लगता है? हैड बीन, हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगता है, तो क्या हो जाएगा? वर्ब क्या है? डू है, तो क्या हो जाएगा? डूइंग, ओके। तो ही हैड बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मंडे लास्ट। नंबर बी, द ओल्ड मैन गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, तो देखिए एवरी मॉर्निंग मीन्स काम डेली हो रहा है, जो काम डेली होता है ना वह क्या होता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य होता है, और यह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, और द ओल्ड मैन यह क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब में एस नहीं तो ईएस लगता है, लेकिन लास्ट में ओ है तो क्या लगेगा? ईएस, तो क्या हो जाएगा? गोज, द ओल्ड मैन गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट, व्हेन आई रीच्ड होम मदर कुक राइस, देखिए इस टाइप का जब भी सेंटेंस हो, व्हेन हो या व्हाइल हो, व्हेन हो या व्हाइल हो, तो इस टाइप का सेंटेंस होने से क्या लगते हैं हम लोग? यहाँ वाज नहीं तो वेयर, वाज नहीं तो वेयर, और भर में आईएनजी। मदर जो है क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? वाज लगेगा। मदर वाज कुकिंग, मदर वाज कुकिंग राइस। नेक्स्ट, इफ आई बी यू आई वुड नॉट डू डैट, जब भी इस टाइप का सेंटेंस हो, कल्पना करने वाला, जब भी कल्पना, कल्पना वाला बात हो तो क्या होता है? बी की जगह क्या लगता है? वेयर लगता है। If I were you, I would not do that. If I were a bird, I could fly. If I were a prime minister, ठीक है, इस टाइप से सेंटेंस आता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए क्या है, चेंज द वॉइस, गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, ठीक है। तो देखिए इज हर वर्ब थ्री है, मीन्स यह पैसिव वॉइस में बनाया हुआ है। गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन बाय द पीपल, यहाँ पीपल छिपा हुआ है, जब वापस इसको हम लोग जब एक्टिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? पीपल कॉल, पीपल कॉल गांधी द फादर ऑफ नेशन। नेक्स्ट देखिए, द वर्क हैज बीन डन बाय रीता, तो देखिए हैज बीन डन, हैज या हैव वर्ब थ्री लगा हुआ है, ठीक है, जब इसको हम आपस बनाएंगे बाय लगा हुआ मीन्स पैसिव है, जब इसको हम एक्टिव लाएंगे तो क्या हो जाएगा? रीता हैज डन द वर्क, सिर्फ बिन हट जाएगा, बिन क्या हो जाएगा? हट जाएगा। रीता हैज डन द वर्क।
नंबर सी देखिए आई नो हिम, तो हिम का क्या हो जाएगा ही इज नोन टू मी। नेक्स्ट प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, जहां भी प्लीज रहता है वहां हम लोग प्लीज को हटा के लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट देखिए 24 फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंसेस, तो जो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा आई सॉ द वुमेन ऑन द रोड। नंबर बी को जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लीज लेंड मी योर डिक्शनरी, चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन देखिए द हेडमास्टर प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग, ओवर होगा ठीक है, प्रिसाइडेड ओवर होता है। नेक्स्ट डोंट हैंकर आफ्टर, हैंकर के साथ में आफ्टर होता है, डोंट हैंकर आफ्टर वेल्थ। आई डू नॉट एग्री टू योर प्रपोजल, टू होगा, अगर यहां में मी यू होता ठीक है या हिम होता तो क्या होता आई डोंट एग्री विथ यू, आई डोंट एग्री विथ हिम, लेकिन जब प्रपोजल दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा आई डोंट एग्री टू योर प्रपोजल। डेथ इज कॉमन टू ऑल, टू हो गया। द बॉय इज जूनियर टू मी, टू हो गया, जूनियर टू, सीनियर टू, ओके। यू मस्ट टेक केयर ऑफ, केयर ऑफ होता है केयर ऑफ योर पेरेंट्स। नेक्स्ट देखिए नरेशन नंबर ए सी सेड द वाटर इज बॉइलिंग, तो क्या होगा सी सेड डैट द वाटर वॉज बॉइलिंग। नेक्स्ट नंबर बी देखिए द टीचर सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, तो क्या हो जाएगा द टीचर आस्क्ड मी व्हाट, यू जो है सेकंड पर्सन है चेंज इन टू ऑब्जेक्ट, तो व्हाट आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा आई, व्हाट आई वाज डूइंग। द बॉय सेड टू मी माय फादर विल मीट यू सून, तो क्या हो जाएगा द बॉय टोल्ड मी दैट माय फादर, क्या हो जाएगा हिज फादर, हिज फादर विल है तो यहां सेड है तो पास्ट है तो विल क्या हो जाएगा वुड हो जाएगा, हिज फादर वुड मीट, और यू जो है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, मी है हमें तो क्या हो जाएगा हिज फादर विल मीट मी सून। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट 27 क्या बोला है मधुमिता लाइक्स टू सिंग एड ए क्वेश्चन टैग, तो देखिए हमें अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं क्या हो जाएगा डज नॉट हो जाएगा ठीक है, लाइक्स है मीन्स मधुमिता क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या होगा डज नॉट, तो जब इसका हमें एड ए क्वेश्चन टैग बनाएंगे क्या हो जाएगा डजंट, क्या हो जाएगा डजंट, और मधुमिता के लिए क्या हो जाएगा सी डजंट सी। नेक्स्ट ही केम टू स्कूल स्टरडे, मेक इट इंट्रोगेटिव बनाना है, तो देखिए केम जो है पास्ट है, पास्ट होने से जब इसका निगेटिव बनाते क्या होता है डिड नॉट, लेकिन इसी डिड को अगर आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव हो जाएगा, तो डिड ही कम, अब कम हो जाएगा ठीक है, आगे डिड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कम, डिड ही कम टू स्कूल स्टरडे। नंबर से देखिए ही वॉज वेरी टायर्ड, क्वेश्चन पूछना है हु से तो हु वॉज ही हटा देंगे, हु वॉज वेरी टायर्ड। नेक्स्ट देखिए द ब्रह्मपुत्र इज लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, टर्न इन टू पॉजिटिव डिग्री, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर नो अदर रिवर इज एज लॉन्ग एज ब्रह्मपुत्र इन इंडिया। नेक्स्ट देखिए गुवाहाटी इज द ओल्डेस्ट सिटी इन द नॉर्थ ईस्ट, तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग नो अदर सिटी इज ओल्डर देन गुवाहाटी इन द नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए ट्रांसलेशन देखिए नंबर वन क्या है, नंबर ए क्या तुम तैर सकती हो, कैन यू स्विम। नंबर बी देखिए गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, गांधी जी इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। नंबर सी मैं एक गांव में रहता हूं, आई लिव इन अ विलेज। नेक्स्ट मेरा गांव बहुत सुंदर है, माई विलेज इज वेरी ब्यूटिफुल। देखिए नेक्स्ट आज सुबह से बारिश हो रही है, तो क्या हो जाएगा इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो इसके आगे क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, बाकी पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, इस क्वेश्चन पेपर को पूरा आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये देखिए पेसेज दिया हुआ है और पेसेज से
क्वेश्चंस भी पूछा है, इसका आंसर देना है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।